वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 20 ऑफ फिफ्थ क्लास हिंदी, गांव और शहर। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। गांव और शहर के बारे में हम जानेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है? गांव और शहर का क्या महत्व है, ठीक है? आइए हम जानते हैं इसके बारे में। गांव और शहर का अपना अपना महत्व है, ठीक है? गांव और शहर दोनों का अपना अपना महत्व है। यह ठीक है कि शहरों की तरह गांव में बिजली, सड़क जैसी कुछ सुविधाओं की कमी है। यह ठीक है कि शहरों की तरह गांवों में बिजली, सड़क जैसी कुछ सुविधाओं की कमी है, लेकिन गांव कहीं से भी शहर से कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गांव शहर से कहीं से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गांव स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। यहां स्वच्छ हवा है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार गांव में उपलब्ध है, ठीक है? पौष्टिक आहार गांव में उपलब्ध है। शहर में बहुमंजिलता इमारतों के कारण ना तो स्वच्छ हवा मिल पाती है ना ही सूरज की रोशनी। शहरों में ना तो स्वच्छ हवा मिल पाएगी और ना ही सूरज की रोशनी। लोग धूप के लिए तरसते हैं, ठीक है? शहरों में लोग धूप के लिए तरसते रहते हैं, खासकर सर्दियों में। शहरों में चमचमाती गाड़ियां और कारखानों से फैलता प्रदूषण कई तरह की बीमारियां फैलाता है, ठीक है? कारखानों से फैलता प्रदूषण कई तरह की बीमारियां फैलाता है। गांव में ताजी साग सब्जियां है, हरे भरे मैदान है। शहर में इन चीजों की सर्वथा कमी है। अब ऐसे गांव में भी सारी सुविधाएं धीरे धीरे पहुंचने लगी है। प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है? प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक विद्यालय और कुछ गांव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है। लेकिन फिर भी लोग शहरों की ओर उन्मुख होने लगे है, इसलिए शहर में आबादी अधिक है। इसीलिए शहर में आबादी अधिक है, जिसके कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी है, ठीक है? इसके कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी मैच करना है, ठीक है? इसमें टू कॉलम्स गिवन है, अ एंड ब, दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है स्वच्छ। स्वच्छ का राइट आंसर आ जाएगा हवा, ठीक है? स्वच्छ का राइट आंसर हवा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हरे भरे। हरे भरे इसका राइट आंसर आएगा मैदान, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं सूरज। सूरज का राइट आंसर आ जाएगा प्रकाश। टिमटिमाती, टिमटिमाती का राइट आंसर आ जाएगा रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड गिवन है जो कि हमें ब्लैंक जगह पर राइट करना है, ठीक है? हमें यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड गिवन है जो हमें ब्लैंक जगह पर राइट करना है, ठीक है? फर्स्ट नंबर दिया गया है शहरी बापू अपने डैड से मिलने गांव आए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका मित्र। तो यहाँ पर हमें मित्र राइट करना है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे आपके द्वारा बिजली का डिस्टर्स करने के कारण ही परेशानी हो रही है। राइट आंसर आ जाएगा इसका दुरुपयोग, ठीक है? इसका राइट आंसर आ जाएगा दुरुपयोग। नेक्स्ट देखते हैं कारखानों से निकलने वाले धुएं से देश देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका राइट आंसर आ जाएगा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम इसके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है गांव के लोग कहाँ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसका आंसर आ जाएगा गांव के लोग चौपाल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शहरी बाबू किसी तारीफ करने
इसका आंसर आएगा शहरी बाबू शहर की तारीफ करने लगे थे। ठीक है, जो शहरी बाबू थे वह शहर की तारीफ करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गांव की बढ़ाई कौन करने लगे थे। गांव की बढ़ाई कौन करने लगे, इसका आंसर आएगा गांव की बढ़ाई खिया जी करने लगे थे, डाकिया जी करने लगे थे, सॉरी मुखिया जी करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहरी बाबू कितने किलोमीटर पैदल चलकर गांव आए, इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, शहरी बाबू 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम इसके कुछ लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भी है, गांव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है, गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे चिकित्सक और दवाइयों की सुविधाएं भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध हवा। ठीक है, शुद्ध हवा, सूरज का प्रकाश, हरी साग सब्जियां की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांव के लोगों को कौन सा सामान शहर से प्राप्त होता है, इसका आंसर आएगा गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयां, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि शहर से प्राप्त होता है, ये सारी चीजें शहर से प्राप्त होती है। ठीक है,